और मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो हमारा LED बल्ब होता है उसको हम अपने घर पे ही कैसे ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको कुछ नहीं करना, बस आपको शुरू से लास्ट टाइम ये वीडियो बिल्कुल पूरा देखना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। इसमें दोस्तों बहुत ही आसान टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टेड है, ठीक है दोस्तों। इसमें हमने बताया कि जो हमारा जो LED बल्ब होता है उसको हम अपने घर पे ही कैसे ठीक कर सकते हैं। 9 वाट का LED बल्ब है और बहुत ही आसानी से वो ठीक हो जाता है। उससे पहले आपको मेरी सीरीज वाली वीडियो देखनी होगी जो कि मेरे चैनल पर जाके आपको वो मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। जो मेरी सीरीज वाली वीडियो आप जब ही समझ पाओगे कि सीरीज क्या होती है, जो मेरी सीरीज से ही ये जो हमारे LED बल्ब की जो लाइट होती हैं वो किस सीरीज में ही लगी होती हैं, उनको हमें सीरीज सर्किट पूरा करना होता है जिससे वो LED हमारी चालू हो जाती है, ठीक है दोस्तों। आते हैं हम टॉपिक पे और दोस्तों बिल्कुल ध्यान से देखें और समझें। हेलो दोस्तों, मैं हूँ दीपक और आप देख रहे हैं हमारा चैनल RTI वर्ल्ड पलवल। दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक लेकर आया हूँ जिसमें आपको मैं बताने वाला हूँ कि जो हमारा LED लाइट होती है, जो हमारे ये बल्ब होते हैं 9 वाट के होते हैं, इसमें मोस्टली जो क्या प्रॉब्लम पाई जाती है, जो हमारे जो फ्यूज हो जाते हैं ये हमारे LED बल्ब, इसमें हमारे मोस्टली जो प्रॉब्लम क्या पाई जाती है, जो जैसे मैं आपके सामने जो ये हमारा एक LED बल्ब है ये ले रहा हूँ आपके सामने, ये देख सकता हूँ जो मैं आपको बताऊँगा, ये जो ये 9 वाट का LED बल्ब है, ठीक है दोस्तों। ये हमारा 220 से 200 जिसको ये हमारा जो 9 वाट का LED बल्ब है और ये हमारा 220 से 230 की जो ये हमारा करंट वोल्टेज देता है, ठीक दोस्तों। इसमें दोस्तों देखो मोस्टली क्या प्रॉब्लम पाई जाती है, ये हमारा इसमें आप गिन सकते हो, इसमें 9 बल्ब है, ठीक है दोस्तों, 4, 4, 8, 8, 9। दोस्तों हमारी जो इसमें प्रॉब्लम पाई जाती है, ये एक तो फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। ये हमारा एक सीरीज लैंप है, इसकी वजह से हम देखेंगे कि हमें जो ये क्या इसमें क्या प्रॉब्लम पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। ये हमारा ये हमने ये लगा दिए, ये देखिए दोस्तों, इसमें जो मोस्टली ये प्रॉब्लम पाई जाती है हमारी, ये पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। मतलब ये बहुत ही धीरे चलता है, ठीक है दोस्तों, लाइट कम हो जाती है या फिर इस तरीके से लुप लुप करता है, ठीक है दोस्तों। हमारी ये प्रॉब्लम पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। और ये तुम्हारा जो दूसरा होता है, हमारी जो दूसरी प्रॉब्लम भी पाई जाती है, हमारा जो बिल्कुल ही फ्यूज हो जाते हैं, जैसे हमारी एक LED बल्ब ले लिया हमने, ये वाला ये भी ये उजाला कंपनी का है, ठीक है दोस्तों। और जैसे हम इसको सीरीज लैंप को यहाँ पर लगाते हैं, ये देखिए कोई रिस्पॉन्स नहीं है इसका, भी बिल्कुल ही फ्यूज हो चुका है। तो दोस्तों हम इनको आप दोनों को ठीक करके दिखाएंगे, ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों आप वीडियो में लास्ट देखें, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे इससे क्या होगा, जो हमारी आने वाली नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। और सबसे पहले आप हमारी वीडियो देख पाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब हम जो ये वाला LED बल्ब है इसको हम आपको ठीक करके दिखाते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। जो हमारे ये बल्ब होते हैं ये सीरीज में होते हैं, ठीक है दोस्तों, हमें इनकी सीरीज कंप्लीट करनी होगी। अगर आपने मेरी सीरीज वाली वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल में जाके मेरी जो सीरीज वाली वीडियो है वो देख के आएँ, ठीक है दोस्तों। उसी से आप समझ पाओगे कि सीरीज लैंप कैसे बनाते हैं और हमारा जो सीरीज मतलब होती क्या है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद इसको हम ठीक करके दिखाएंगे, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले हम जो ये वाली लाइट है इसको हम चेक करके देखते हैं कि ये ठीक है नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब देख सकते हैं ये बिल्कुल फ्यूज है, ठीक है दोस्तों। ये जो फ्यूज है इसको हम ओपन कर लेते हैं इस तरीके से, हमने जो ओपन कर लिया है इसमें आपको इस तरीके से देखने को मिलेंगे बल्ब, ठीक है। इसको हम लाइट में लगाते हैं, इसको सप्लाई देते हैं हम, इसको ये दे दिए, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आपको इस सीरीज को इसको कंप्लीट करने के लिए इस प्रकार का वायर का टुकड़ा ले लेना है। अब इसको ये देख सकते हैं, इसको हमें ये हमें इसको खराब दिख रहे हैं, इसको हम सीरीज को कंप्लीट करके देखते हैं, ठीक है दोस्तों। ये वाला जो लट्टू हमारा ये हमारा जो मतलब ये खराब है, ठीक है दोस्तों। हमारा जो ये वाला बल्ब है ये बिल्कुल हमारा खराब है, इसको हम निकाल देंगे और इसकी सीरीज को हम कंप्लीट करके इसको हम आपको स्टार्ट करके दिखाएंगे, ठीक है दोस्तों। इसके लिए हमने आयरन सोल्डर लिया है, इसके लिए ये मैंने अभी न्यू मंगाया आपके लिए ये, ठीक है। इसको हम लगा के लाइट में और ये सोल्डिंग करेंगे इसको, जब आपको इसको चेक करके दिखाएंगे, ठीक है।
इसके लिए मैं आपको एक निशान लगा दे रहा हूँ इस पर कि आप कभी बोले कि हमने ये बदल दिया। ठीक है दोस्तों, अब ये देख सकते हो इस पर ये निशान है, इसको हम ठीक करके दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हमने आप देख सकते हो हमने जो ये जो लाइट थी ये हमारी लट्टू था ये ख़राब था, तो हमने ये हमने निकाल दिया है और इस पर हमने सोल्डरिंग कर दी है। ठीक दोस्तों, ये देख सकते हो यहाँ पे एक लट्टू था ये निकाल के, अगर दोस्तों हम देखते हैं कि ठीक है या नहीं। ठीक दोस्तों, हमने इस जो सीरीज है वो कम्प्लीट कर दी है। अब देखो मैंने कोई ट्यूब नहीं बल दिया, कोई को ट्यूब बल दिया, मैंने यहाँ बस अपने एक सोल्डरिंग की है और ये वही निशाना देख सकते हो। अब मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ आपको, ये देखो दोस्तों, ये देखो। इस तरीके से आप अपने अपने आसान तरीके से अपने आप ही इसको ठीक कर सकते हो। ये मैंने बिल्कुल ठीक कर दिया है आपकी लाइट। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पे अब मैंने एक और दूसरी लाइट ली है और मैंने इसको चेक किया सीरीज को। ठीक है, और इसमें मैंने जो एक यहाँ पे एक सोल्डरिंग की है आप देख सकते हो अच्छी तरीके से, मैंने यहाँ पे सोल्डरिंग की है और एक मैंने यहाँ पे सोल्डरिंग की है। ठीक है, इसमें ये ख़राब था, इसमें ये लट्टू ख़राब था। अब दोस्तों मैं देखता हूँ कि ये चालू करके जलती नहीं जलती। ठीक दोस्तों, इस तरीके से बहुत ही आसान है सोल्डरिंग करके अपने घर पे ही इसको ठीक कर सकते हैं, इसको कहीं बाहर ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देख सो, मैं इसको होल्डर में लगा रहा हूँ इसको मैं, ये देखो बहुत काफ़ी अच्छा हो जा रहा है इसका, ये मैंने ठीक कर दिया। इसी तरीके से बहुत ही आसान है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों ये टॉपिक, और आप अच्छी तरीके से ये आप सीख सकते हो घर पे ही। ठीक दोस्तों, फिर दोस्तों जो हमारी ये वाली एलईडी थी जो मैं बताया था 9 वाट की उजाला कंपनी की, तो दोस्तों इसमें जो 9 बल्ब थे इसमें से ये 3 खराब निकले हैं। ठीक है दोस्तों, जिसको मैं 3 को ये सोल्डिंग कर दी है, और दोस्तों इसको हम चेक करते हैं कि वाकई में ठीक हो गई है या नहीं हुई है। ठीक है दोस्तों, ये हमने पावर लिया यहाँ से, इसको मैं लगा के देखता हूँ यहाँ पे, ये देख दोस्तों। ठीक दोस्तों, ये हमारी हो सकी इस तरीके से दोस्तों आप आसानी से इसको कंप्लीट कर सकते हो और इसको ठीक कर सकते हो। और दोस्तों मैं सबको दिखाऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मैंने आपको 3 दिखा दिया, आप समझ गए होंगे कि कैसे हम सीरीज को कंप्लीट करके अपनी जो एलईडी को इसको आसानी से ठीक कर सकते हैं अपने घर पर, इसको ठीक कर सकते, कोई खर्चा नहीं है, बिल्कुल फ्री में ही ठीक हो जाते हैं। ठीक दोस्तों, अगर दोस्तों मेरे वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको अगर थोड़ा सा भी अगर कुछ सीखने को नया मिला हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।